सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर ओन खान समा। तो कैसी है अपनी यूट्यूब फैमिली, एंड एज यूजुअल आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की अपनी रेसिपी है एग कटलेट की रेसिपी। सो चलो ज़्यादा देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, पर आफ्टर द म्यूज़िक। तो सबसे पहले जिसकी तैयारी हमें करनी है वो है आलू को उबालने हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ग्राम आलू, जिसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, जिसमें आलू डूबा रहे उतना ही। एंड गैस को चलाते हैं, इसको 20 मिनट तक लोअर फ्लेम में पकाते रहते हैं। एंड तब तक उबाल लेते हैं हम लोग एग्स को, मतलब अंडों को, क्योंकि भाई एक कटलेट बन रहा है तो एग के बिना तो बिल्कुल मतलब होगा ही नहीं। तो इसमें डाल दिया पानी और ऊपर से डालना थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक जो है भाई बॉयल होते समय बहुत हेल्प करता है। तो जब ये ऐसे उबलना चालू हो जाए आँच को बंद कर दें और अंडों को ऐसे ही 15 मिनट पानी में रहने दें। और ये देखिए तब तक अपना आलू भी पक चुका है 20 मिनट तक, और अंडे भी ठीक ठाक उबल चुके हैं। तो अभी इनके जो छिलके हैं उसको हमें उतारने हैं, आराम से उतारना। ये देखो सारे जो मतलब है अपने अंडे हमने अच्छे से छील लिए, और इसको ऐसे बीच से काट लेना। ये देखो बिल्कुल जादू कर दिया मैंने। और अभी एक सीक्रेट मसाला जिसमें जाएगा 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 4 लाल मिर्च के, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो क्योंकि श्रद्धा आपकी, तो आप अपने हिसाब से लो। और ये हो गया अपना सीक्रेट मसाला तैयार। वैसे मैं किसी को बोलता नहीं, पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आप ये ज़रूर फॉलो करना, यही मसाले से टेस्ट आता है। और तब तक मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए दिया है, इसमें जा रहा है थोड़ा सा जीरा, बहुत थोड़ा सा हाँ। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज है उन लोगों को बारीक को काट के तेल में दे दिया है, बारीक काटना एकदम हाँ। एंड अभी इसमें जा रहा है कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ी देर इसको पकाने के बाद इसमें हम लोग डालेंगे उबले हुए आलूओं को। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। हाँ एक चीज आप बोलोगे कि मतलब एक कटलेट बन रहा है तो इसमें मैंने कोई मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से, पर जस्ट बिकॉज मेरे को वो अदरक लहसुन वाला इधर वो एक स्मेल नहीं चाहिए था, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब थोड़ी देर पकने के बाद इसमें डाल रहे हैं अपने कुटे हुए मसाले, लगभग 2 बड़े चम्मच, और इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। देखना है आपका जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं करना है। और तब तक मैंने दिया थोड़ा सा नमक, और फिर से इसको अच्छे से चलाते रहना। ये देखो अपना मसाला इस स्टेज तक बोल सकते हो कि लगभग लगभग तैयार ही है। एंड अब नमक को मिक्स करने के बाद हम आंच को बंद कर सकते हैं, आराम से आंच को बंद ही कर लें क्योंकि चालू रखने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। एंड अब इसमें डालना है कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया जो है भाई वो तो एकदम फ्रेशनेस है, तो एकदम ही लास्ट में डालना है, इसको पहले बिल्कुल ना डालें। और आंच बंद होने के बाद इसको अच्छे से आलू के साथ मिलाते रहें। आलू का फिलिंग जो है अपना बिल्कुल तैयार है, इसको मैंने ठंडा होने दे दिया था थोड़ा। और उसी में अभी बाइंडिंग के लिए हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा नहीं आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि एक चीज़ है कि बाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना बाइंडिंग के आप भाई बनाने जाओगे एक कटलेट और बाइंडिंग नहीं हो तो आपका एक और कटलेट दोनों अलग हो जाएगा, और आप बोलोगे कि रफ़ी गलत रेसिपी बताता है।
तो आप लोगों से बहुत लोग सुनकर समझ ही गए होंगे कि ये रणवीर सर का डायलॉग है, वही मैंने इस्तेमाल कर दिया, क्या कर सकते हैं, फ़ैन है उनके। तो चलो रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। इधर अंडे के पीसेस में मैंने थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल दिया है, एंड अब एक साइड में जाएगा अंडा और एक हाथ में ऐसे आलू, इसको बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर लेना है, बीच में अपना उबला हुआ अंडा, और इसको चारों तरफ से ऐसे बिल्कुल आराम से कोट करते रहें आप लोग, एकदम आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो आराम से करो बस, सीधा बात, आराम से कोटिंग करो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कैमरे का एंगल थोड़ा मतलब ख़राब है, जिसके वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो हो जाता है भाई, गलती, इंसान ही है हम लोग। ये देखो बिल्कुल ये इसको जो हम चपटे वाला जो कटलेट का शेप आता है उसी शेप में रेडी कर लिए हैं। एंड अब क्या करना है, ऐसे ही सारे पीसेस को मैं तैयार करूंगा और साइड में रख लूंगा, एंड तब तक बनाते हैं अपना कोटिंग का जो घोल है वो। तो घोल बनाने के लिए इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, एक चम्मच मैदा, दो चम्मच पानी, थोड़ा सा ऑलमोस्ट हाफ कप, इसमें जो है आपका एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख सकते हो आप अपना घोल कैसा बना है, बहुत मोटा नहीं बनाना, बहुत पतला नहीं बनाना, बिल्कुल जैसा बना है वैसा ही आप तैयार करें। और ये मेरे एक हाथ में है ब्रेड क्रम्ब, दूसरे हाथ में अपने कटलेट के पीसेस, पहले फर्स्ट कोटिंग करते हैं, जाएगा ये कॉर्नफ्लावर के पानी में, फिर जाएगा ब्रेड क्रम्ब में। अब फर्स्ट कोटिंग के बाद आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, पर आई वांट दैट एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस, जिसके लिए मैं सेकंड वाला करूंगा, तो फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, एंड ट्राई करेंगे किसी का सपोर्ट लेने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो कैमरामैन है, कैमरामैन ने अपना हाथ भी बटा दिया है, तो हेल्प ले लिया करो, वरना अकेले करने जाओगे भाई बहुत ज़्यादा मेसी थिंग हो जाएगा एक ही बार में। और अगर आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो भाई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरे को सिखा देना फिर कैसे आराम से किया जाता है। ये देखो सारे पीसेस तैयार है, पर तुरंत इसको नहीं तलना है, थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं, तब तक तेल गरम करने के लिए चढ़ाते हैं। याद रखें कि मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, मतलब फ्राई करना है। तो तेल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे पीसेस को तेल में शिफ्ट कर रहा हूँ, एकदम आराम से, कोई ये बात नहीं है। और तेल को बहुत ज़्यादा हीट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भाई एक ही बार में आप जब भी तेल में इसको छोड़ोगे तो सीधा जाएगा टूट, तो तोड़ना नहीं है भाई, कोशिश यही करना है कि जो चीज़ को हमने मतलब बिना फटाए आराम आराम से तैयार किया था, पूरा सिलसिला ऐसे आराम आराम से कम्प्लीट हो जाए और कोई हानि ना पहुँचे अपने कटलेट्स को, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से बना रहे हो तो कटलेट फटेगा तो भाई आपका खुद का मतलब क्या बोले, अलग लेवल का दुख होता है भाई। तो आराम से करो, और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप कोई मतलब डीप फ्राइंग नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत थोड़ा सा तेल लेके फ्राइंग कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द मतलब क्या बोल सकते, डीप फ्राइंग के हिसाब से कम ही तेल है, क्योंकि मैं पूरे एक बड़े से कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाल के इसको फ्राई नहीं कर रहा। और एक चीज़ का देखना है कि आपको मीडियम फ्लेम में रहेगा तो लगभग 8 to 10 minutes में आपका पूरा जो कटलेट है वो तैयार हो जाएगा, तो 8 to 10 minutes कम से कम दे दें इसको। ये देखो धीरे धीरे आप देख सकते हो टाइम लैप्स में भी कि ये कलर कैसे चेंज हो रहा है, तो आराम से पलट पलट के इसको पकाएं, सॉरी फ्राई करें। टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है मेरा, तो भाई कोई भी लैंग्वेज अप डाउन हो जाए तो माफ़ कर देना। तो चलो तैयार है, इन पीसेस को हम तेल से उठा लेते हैं, एंड ये देखो अब करते हैं हम बाकी पीसेस को तेल में,
इसको थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। और चलो तब तक करते हैं बाकी जो पीसेस हमने तैयार किए थे उनके प्लेटिंग्स। तो चलो